समाप्त करता हूं। जय हिंद। थैंक यू श्री रामदास अठावली जी। अध्यक्ष महोदय, आज का दिन मुझे हमेशा रहेगा याद। आज का दिन मुझे हमेशा रहेगा याद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं करता हूं धन्यवाद। भ्रष्टाचार को हम मिलकर करेंगे बर्बाद। भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार को हम खत्म कर देंगे बर्बाद। जितेंद्र सिंह को हम देंगे प्रतिसाद। मोदी जी को खत्म करना है भ्रष्टाचार, काले धन पर करना है हमें वार। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और तीन बार, क्योंकि कांग्रेस और विपक्षी दलों की हो जाने वाली है हार। तो आज ये जो बिल है, इम्पोर्टेंट बिल है, देश का विकास बढ़ाने के लिए, देश के गरीब लोगों को उनके डेवलपमेंट के लिए पैसा मिलने के लिए, जो काला धन वाले हैं, भ्रष्टाचार करने वाले हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मतलब नोटबंदी का कानून लाया था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी जब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे, तब उन्होंने मतलब प्रॉब्लम ऑफ द रुपी नाम का एक थीसिस लिखा था, और उसमें बाबा साहब ने लिखा था कि भ्रष्टाचार को अगर टालना है, भ्रष्टाचार खत्म करना है, तो 10 साल के बाद एक बार नोटबंदी होनी चाहिए, चलन में बदलाव होना चाहिए। इसी तरह की भूमिका उन्होंने रखी थी। तो नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं, तब से हमारे मंत्री सब तो साफ है, माननीय नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ईडी की इंक्वायरी जानबूझकर नहीं लगाते हैं। ईडी का डिपार्टमेंट स्पेशल डिपार्टमेंट है, सीबीआई का डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है। ईडी के पास जो भी मतलब कोई पेपर मिलते हैं, जो लोग इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, जो लोग ऐसा पैसा ज़्यादा कमाने का काम करते हैं, कमाओ, कमाने के लिए कोई विरोध नहीं है, लेकिन सरकार का टैक्स भरना चाहिए। सरकार का टैक्स न भर के अगर ज़्यादा पैसा कमाते हो तो काला धन ज़्यादा बढ़ जाता है, काले धन से मतलब देश का भारी नुकसान हो जाता है, सरकार के खजाने में पैसा आता नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कि आज का जो बिल है, ये बिल हमारे जितेंद्र सिंह जी ने लाया है। जितेंद्र सिंह जी हमारे बहुत बड़े किंग है, और ये जो जो बिल लाया गया है इसका समर्थन करने के लिए आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। मेरी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, बाबा साहब अम्बेडकर जी विचारधारा की पार्टी है, भ्रष्टाचार को खत्म करने वाली पार्टी है, और हमारी पार्टी का पूरा सपोर्ट जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को है। और आज का जो बिल लाया गया है भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, उसका हम समर्थन करते हैं, और भ्रष्टाचार का खत्म होना चाहिए, कालाधन खत्म होना चाहिए, और सरकार के खजाने में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आना चाहिए, यही मैं अपेक्षा व्यक्त करता हूँ। और मेरे दो शब्द खत्म करता हूँ, जय भीम जय भारत। थैंक यू।